नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में जीएस पेपर बीपीएससी जीएस पेपर टू के मेंस टू को दूसरा पेपर को देखेंगे। दूसरा पेपर में एक प्रश्न है जो कि प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है बीपीएससी का, इसे जानने का प्रयास करेंगे। आधुनिक भारत के निर्माण नेहरू जी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। दोस्तों व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेहरू जी इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, चलिए जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का आधुनिकीकरण में नेहरू की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने राष्ट्रीय जीवन के विविध आयामों में आधुनिकीकरण का सूत्रपात किया है। किसी समाज व देश के आधुनिकीकरण का आधार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर नेहरू जी के बारे में आपको बढ़िया से समझना है तो आप नेहरू जी की एक किताब है भारत एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसे पढ़ सकते हैं, या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, या ए लेटर टू हिज डॉटर। नेहरू जी जो है जब जेल में भी थे तो अपने बेटी इंदिरा को पत्र लिख करके ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज देते थे, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बहुत सारी बातों का जिक्र किया हूँ, बहुत सारी चीज़ों का इनकी जीवनी से जुड़ा हुआ ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसे आप पढ़ सकते। अगर इनके बारे में इनके प्रश्नों को उत्तर सही ढंग से देना है तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास जो राजीव अहिर की है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो इनका योगदान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नेहरू जी ने 1951 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया था। अगर बात किया जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1951 में किसके द्वारा की गई थी, नेहरू जी के द्वारा की गई थी। हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि नेहरू जी जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले एकमात्र नेता थे नेहरू जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और ये मंत्रालय गठन करने वाला एक ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना जो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री तैयार किया था। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में एक भारतीय संसदीय तथा वैज्ञानिक समिति की स्थापना की गई, इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धि और भविष्य हेतु दिशा निर्देश के साथ संसद को भी विज्ञान के उत्थान में प्रभावी ढंग से संलग्न करना था। इसे ध्यान में रखते हुए 4 मार्च 1958 को संसद में एक राष्ट्रीय विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार नेहरू जी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के विकास की आधारशिला रखी। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु परमाणु ऊर्जा कानून 1948 बनाया गया तथा 10 अगस्त 1948 को परंपरागत ऊर्जा आयोग एवं 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। आज भारत परमाणु विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित है, जिसकी नींव नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। अगर बात किया जाए परमाणु में भारत की स्थिति तो बहुत अच्छी स्थिति है और महाशक्तिशाली बन चुका है, और इसकी नींव जो डालने वाला व्यक्ति है वो नेहरू जी ही थे। अंतरिक्ष क्षेत्र में आज भारत विश्व के प्रमुख महाशक्तियों की सूची में शामिल हो चुका है। इस क्षेत्र में भी विकास की नींव नेहरू जी द्वारा 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ रखी गई थी। दोस्तों हम बता दें आपको कि नेहरू जी के द्वारा ही अगर बात की जाए अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत इतनी सारी बुलंदियों पर पहुंच रहा है, तो उसमें भी हाथ बहुत बड़ा हाथ नेहरू जी का है और नींव भी इन्हीं के द्वारा डाला गया था। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक एवं संसदीय राजनीति की पोषण में प्रोत्साहन देकर मजबूत करना नेहरू जी की महत्वपूर्ण देन है। आज़ादी से पूर्व समांतवादी राजशाही साम्राज्यवादी गठजोड़ पर आधारित राजव्यवस्था का वर्चस्व था। इसी जगह संसदीय लोकतंत्र एक लोकतांत्रिक समाजवाद को स्थापित किया गया। नेहरू जी ने संसदीय लोकतंत्र का सुचारू ढंग से संचालन किया, कई स्वस्थ संसदीय परंपराओं लोकतांत्रिक संस्कृति को आरंभ किया। उन्होंने पंथ निरपेक्ष की भावना को मजबूत किया तथा जाति एवं धार्मिक दुष्चर्य को राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया। अगर नेहरू की बात की जाए तो समाजवादी थे, समाज में विश्वास करते थे, और जाति प्रथा धर्म दुष्चर्य था वो राजनीति से अलग रखने का प्रयास किया इन्होंने, और ये पंथ निरपेक्षता की भावना इसमें कुट इनके इनमें
कुट-कुट कर भरी हुई थी। आर्थिक क्षेत्र में नेहरू जी ने भारत के लिए योजनाबद्ध आर्थिक विकास मॉडल अपनाया जो 1950 में योजना आयोग का गठन किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आर्थिक विकास के लिए इन्होंने योजना मॉडल अपनाया और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया और इसलिए ये इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। अभी नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है क्योंकि योजना आयोग के जगह पर ही 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग के CEO जो है अभी कौन है अमिताभ कांत है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, जिसके नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना को आरंभ किया गया। योजना आयोग के ही नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं को आरंभ किया गया और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो लागू चली है वो 2012 से 2017 के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि पर जोर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस पर दिया गया, कृषि पर जोर दिया गया। और द्वितीय प्रथम पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो 1951 से 1956 के बीच चली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण पर जोर दिया, पहला जो है कृषि पर, दूसरा पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण पर। आज की कई महारत्न कंपनियां किन्हीं नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में रखी गई। जितने भी अभी आज के अब देखते हैं महारत्न कंपनियां सभी जो स्थापना हुई थी इन्हीं के काल में, जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्हीं के काल में सबसे लंबा कार्यकाल था इनके प्रधानमंत्री रहने का और इन्हीं के प्रधानमंत्री काल में जो नींव रखा गया महारत्न कंपनियों का। नेहरू जी के द्वारा कई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। बहुत सारे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की शुरुआत नेहरू जी के द्वारा की गई। दामोदर घाटी परियोजना, कोसी परियोजना, इन परियोजनाओं की भारत के विकास महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके अलावा लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को भी समुचित प्रोत्साहन दिया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा पर जोर देकर आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन दिया। विदेश नीति के क्षेत्र में नेहरू जी का योगदान उल्लेखनीय रहा। वे गुट निरपेक्षता के वास्तुकार थे एवं पंचशील के प्रतिपादक थे। आज भी भारतीय विदेश नीति कमोबेश इन्हीं धारणाओं पर आधारित है। यद्यपि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका की सीमाएं भी है। राजनीति में जाति एवं धर्म के प्रयोग को रोक न पाना, कश्मीर समस्या, चीन के साथ हुए युद्ध में भारत की कमजोर स्थिति, योजनाबद्ध विकास मॉडल का 1951 तक अप्रासंगिक हो जाना, समान नागरिक संहिता पर अस्पष्टता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मौलिक शोध में विकास न हो पाना, फलत आधुनिक तकनीक के क्षेत्र के मामले में भारत आज भी विदेशों पर निर्भर है, समावेशी सतत विकास का न हो पाना इत्यादि। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद भारत के आधुनिकीकरण में नेहरू जी की भूमिका अविस्मरणीय है। दोस्तों, आप अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आकाश IAS रिसर्च सेंटर को। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज के एपिसोड को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, होप टू सी यू एंड हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।